पॉजिटिव वेज लीडर को कोशिश करनी है कि वो ऐसी चीजों को अडोप्ट कर सके जिसमें पॉजिटिविटी हो जिसमें हम मुस्बत नतज को हासिल करने की अहलियत वो रखते हों सो लीडर शुड बी देयर टू कम क्रिएटिव एंड इनोवेटिव मॉडल्स और उन क्रिएटिव एंड इनोवेटिव मॉडल्स से वो नए से नई जिद्दत को एडॉप्ट करते हुए बेहतर से बेहतर फैसले बेहतर से बेहतर राहों का तयन वह कर पाएगा द थर्ड थिंग रिलेटेड टू द माइंडफुलनेस ऑफ अडर ज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द बाइसनेस के द लीडर शुड बी एबल टू ओवरकम हिज और हर बायसेस हर शख्स के साथ कोई ना कोई बायसेस अटैच है उसके फेवरेटिजम उसके साथ मौजूद हैं उसका एक प्रेजोडिस एटीट्यूड है जो उसके साथ एसोसिएटेड है हमें से शायद कोई भी अपनी लाइफ की बायसनेस को खत्म नहीं कर सकता बट वी कैन स्टैब्लिश अ मैरिट वी कैन स्टैब्लिश अ पैरामीटर इन जजिंग एंड फाइंडिंग आउट आउट द वेज जिससे कि हम अपने फैसले को बायसनेस की कैटेगरी से बाहर निकाल सकते हैं वी शुड नॉट बी यूजिंग ह्यूरिस्टिक्स हम जजमेंटल शॉर्टकट्स यूज ना करें और जजमेंटल शॉर्टकट्स हम तभी यूज नहीं करेंगे व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारा मेरिट क्या है एंड व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किन किन एस्पेक्ट्स में हम बायस्ड एटीट्यूड वो शो कर सकते हैं द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट माइंडफुलनेस इज टॉकिंग अबाउट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसिस ऑब्जेक्टिव मयर्स अपनी जगह यकीन मौजूद होंगी लेकिन जिन जिन चीजों में तब्दीली रूनुमा हो रही है जो जो चीजें सब्जेक्टिव पैरामीटर्स में आती हैं उन तमाम को समझना हमारे लिए जरूरी है एंड वेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन डीलिंग तो ह्यूमन डीलिंग याद रखिएगा कि दे आर ऑलवेज रिलेटेड टू द सब्जेक्टिव सो सब्जेक्टिव मयर्स को अंडरस्टैंड करना और उन सब्जेक्टिव मयर्स के मुताबिक अपने फैसलों को अपनी राह के तयन को इख्तियार करना वो हमारे लिए जरूरी है एंड अ लीडर मस्ट बी माइंडफुल इफ ही और शी इज देयर टू कम अप विद क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज देर आर सर्टन की करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द माइंडफुलनेस और उन की करेक्टरिस्टिक्स में द फर्स्ट वन इज दैट लीडर इज एबल टू अंडरस्टैंड हिज और हर इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड वो अपने मन की दुनिया को भी जानता हो वो अपने जहन में जो सोचों का एक समंदर है उसको भी पहचानता हो अपनी डेवलपमेंट ऑफ थॉट को अंडरस्टैंड करता हो और साथ ही साथ उसके बैरूनी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस सब को भी अंडरस्टैंड करे एक माइंडफुल लीडर के लिए यह बहुत जरूरी है नंबर टू वो रिकगनाइज कर सके कि कुछ ऑटोमेटेड पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग और फीलिंग्स उसके साथ और उसके फॉलोअर्स के साथ कौन कौन से एसोसिएटेड हैं कौन कौन से रिफ्लेक्सैक्शन हैं जो कि शायद उसके अपने बस में नहीं है कौन कौन से अनकॉन्शियस प्रोसेस हैं जिन अनकॉन्शियस प्रोसेस को समझना जांचना मापना वो उसके लिए जरूरी होगा जब वो दूसरों के साथ डील कर रहा है द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट क्विक रिस्पॉन्स टू चेंजिंग सिचुएशन हर चीज के बारे में उसके पास इधरा मौजूद हो हर चीज के बारे में वो ये समझता हो कि कहां पर किस तब्दीली को उसने किस तरह से एंटरटेन करना है और किस तब्दीली में उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं and the fourth important aspect is that he or she able to be having focus and attention on the circumstances, on the needs and wants, on the motivation and aspiration of his or her followers. yet the characteristics are a mindful leader, kesath, associated him. agarham, esari conclude the dear students, that a mindful leader, very careful, hokar, Chalna hoga. बहुत तरीके से सोचना होगा कि उसके सरकमस्टांसेस क्या हैं किन हालात में उसको सामना करना है मुश्किल का कौन से चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए उसमें किस कदर फ्लेक्सिबिलिटी एडॉप्टेबिलिटी वो मौजूद है थैंक यू